छत्तीसगढ़ में बेहतर स्वास्थ्य के लिए मुख्यमंत्री द्वारा जगह जगह अस्पताल खोले गए हैं, जिसमें बेहतर इलाज भी हो रहा है, परंतु स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही और भ्रष्टाचार की वजह से अधिकारी बेकाबू हो गए हैं और अपने कर्तव्य भूलकर अन्य कामों में लगे रहते हैं, जिनसे कई जगह लोगों को भारी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला बालोद जिले के ग्राम बड़गांव में घटित हुआ, जिनसे अस्पताल बंद होने से एक बच्चे की जान चली गई। फिर भी बालोद जिला का स्वास्थ्य विभाग कुंभकर्ण नींद में सोया हुआ है। शिकायत करने पर भी ये कहकर टाल देता है कि कुछ भी कर लो, हम अपने मनमर्जी से चलेंगे, जब चाहे अस्पताल खोलेंगे, जब चाहे बंद करेंगे। ऐसे निरंकुश अधिकारियों का क्या उपाय है, ये तो शासन प्रशासन ही जाने, परंतु मूलभूत सुविधा देने में जिला स्वास्थ्य विभाग नाकाम हो रहा है। ऐसे कई जगह जो है इस प्रकार का उदाहरण देखा जा सकता है। हमेशा संदेह के घेरे में रहने वाले बालोद के स्वास्थ्य विभाग पर एक बार फिर परेशानी के बादल विभाग में लगातार कई बार गड़बड़ी के चलते उमड़ पड़े हैं। न तो यहाँ कर्मचारी रहते हैं, और कर्मचारी रहते भी हैं तो अपनी जवाबदारी से कोई काम करते नहीं हैं। इसके पूर्व भी आप लोगों ने देखा होगा, आप ही लोग आए हुए थे, दुपचेरा में जैसी अव्यवस्था हुई थी उस समय भी इसी लापरवाही के चलते वहां भी सब व्यवस्था चरमरा गया था। और बेहद दुखद घटना, आज उस घटना को याद करके हम सब बहुत दुखित हैं कि एक छोटी सी बच्ची, चाहे तो इस छोटे से इलाज के लिए यहाँ आए थे, की बात है। बच्चे के पिता हॉस्पिटल तक तो आए, लेकिन हॉस्पिटल का ताला बंद था, और ताला बंद था तो सीधा सीधा बात है, यहाँ की कर्मचारियों की गलती है। अनुरोध करते हैं कि लापरवाह कर्मचारियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। और जिस प्रकार की सुविधा की बात है, आज यहाँ ना सामने ना बिल है, ना किसी डॉक्टर का नंबर, मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर मान लो बात